नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीते दिन छत्तीसगढ़ में थे। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ में ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरुआत की। साथ ही उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए जातीय जनगणना और अडानी मुद्दे पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। कहा कि देश में दो रिमोट कंट्रोल चलाई जा रही है। एक तरफ जब हम बटन दबाते हैं तो किसानों के खातों में पैसे पहुंचती है, वहीं जब दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी बटन दबाती है तो सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण हो जाता है। कांग्रेस नेता ने आगे और भी क्या कुछ कहा है, आइए एक नजर पूरी खबर पर डालते हैं। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी बीते सोमवार को छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे थे। बिलासपुर में उन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना भी साधा। राहुल गांधी ने पूछा कि पीएम मोदी जातीय जनगणना से क्यों डर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस जब केंद्र में सरकार में थी तब उसने जातीय जनगणना कराई थी, उसकी रिपोर्ट मोदी सरकार ने जारी क्यों नहीं की। वो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। राहुल गांधी और भूपेश बघेल ने तखतपुर विकास खंड के परसदा गाँव में आयोजित आवास न्याय सम्मेलन में इस योजना की शुरुआत की। इस संबंध में अधिकारियों ने बताया कि ग्रामीण आवास न्याय योजना के तहत प्रथम चरण में सूबे के 47,090 आवासहीन परिवारों को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि आगामी वर्षों में चरणबद्ध तरीके से कुल 10.76 लाख परिवारों को इस योजना में शामिल किया जाएगा। अधिकारियों ने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की अस्थायी प्रतीक्षा सूची में शेष बचे 6,99,439 पात्र परिवारों को भी अपनी इस योजना के जरिए आवास मुहैया कराने का निर्णय लिया है। अधिकारियों ने आगे बताया कि आज के कार्यक्रम में राहुल गांधी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के लिए चयनित 500 लोगों को 1-1 लाख रुपए दिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और भूपेश बघेल ने सम्मेलन में बिलासपुर जिले के लिए 669.69 करोड़ रुपए की लागत वाले 414 विकास एवं निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन भी किया। उन्होंने चयनित 2594 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र तथा नगरीय क्षेत्रों में 1117 लोगों के बीच वन अधिकार पत्रों का वितरण किया। इस दौरान गांधी और बघेल ने आयोजन स्तर पर लगाए गए विभिन्न स्टॉल का अवलोकन भी किया। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जनसभा में कहा कि ओबीसी दलितों आदिवासियों और महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए जातीय जनगणना जरूरी है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो जातीय जनगणना कराएगी। राहुल गांधी ने कहा कि जब मैंने अदानी के साथ प्रधानमंत्री मोदी के संबंधों पर सवाल पूछा तो मेरी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर और कच्चे घरों वाले परिवारों को पक्के घर के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में दो रिमोट कंट्रोल चालू है, जब हम रिमोट कंट्रोल दबाते हैं तो किसानों के खाते में पैसे आते हैं, दूसरी तरफ जब भारतीय जनता पार्टी के नेता रिमोट कंट्रोल दबाते हैं तो सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण हो जाता है, जल जंगल जमीन अदानी के पक्ष में चला जाता है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।